ऐसी है कि एक संत होते हैं और उन्होंने काफी काफी तपस्या की हुई है और बस अभी मोक्ष को ही प्राप्त होने वाले हैं, जो पहुंचने ही वाले हैं। वो भगवान के राइट हैंड पर्सन हैं। तो वो जंगल के थ्रू जा रहे थे हिमालय के तरफ, एंड उनको एक हो साधु दिखता है जो तपस्या कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सालों से कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा नाराज भी है। तो वो रुक के पूछते हैं कि देखो, मैं जा रहा हूँ भगवान से मिलने, तुम्हारा कोई सवाल है तो मैं उनसे पूछ सकता हूँ। तो वो कहता है कि हाँ, जरूर ये पूछना कि मैं कितने सालों से तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन अब तक मुझे कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई है। तो पूछोगे कि कितने और जन्म लगेंगे मुझे समझने में अपने आप को और करीब आने के लिए भगवान के। तो वो बोलता है हाँ, ऑफकोर्स मैं पूछूंगा आपके बारे में, और वो आगे चलता है अपनी जर्नी के लिए। जर्नी में आगे थोड़ा जाता है तो उसको एक एक दीवाना दिखता है जो एकदम, मतलब ना, मगन है, नाच रहा है, झूम रहा है, पेड़ों के साथ बात कर रहा है, पेड़ों के साथ उनके साथ डांस कर रहा है। अब एकदम अपने ही धुन में है, जैसे उसको, जैसे मीरा है वैसे वैसे भगवान की धुन में वो एकदम मगन होकर डांस कर रहा है। तो इसका मन करता है उसको पूछने के लिए, देखो मैं जा रहा हूँ, मैं कुछ पूछूँ तुम्हारे बिहाफ में, लेकिन वो इतना मगन है कि उसको जो भी वो बात करे उसके कानों में वो पड़ नहीं रही है बातें। तो वो छोड़ देता है, बोलता है रहने दो, और वो अपना आगे जाता है, जो नहीं करता है। फिर जब वो वापस लौट के आ रहा था भगवान से बातचीत करके, तब वो आता है और वो पहले वाले साधु को मिलता है। वो बोलता है कि हाँ, मैं पूछ के आया हूँ भगवान से, और भगवान ने कहा है तुम्हें इस तरह और 5 जन्म लगेंगे। तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है, 5 और जन्म, कितना इतना ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। उसे जैसे पता था अपने पिछले जन्म के बारे में, उसे और 5 जन्म करने पड़ेंगे। और तो नाराज हो जाता है और बैठ जाता है एक कॉर्नर में। और फिर ये जो महात्मा है वो थोड़े आगे जाते हैं, और जो वो दीवाना है वो उसको देखते हैं, वो अभी भी वहाँ है, अभी भी मस्त डांस कर रहा है। तो हालांकि उसने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन फिर भी उनका मन करा था कि उनके उसके थ्रू पूछे भगवान को कि इसको कितना टाइम लगेगा। तो उसे वो बताने की कोशिश करते हैं, देखो मैं भगवान से मिल के आया हूँ, भगवान ने कहा है कि तुम्हें जितने पत्ते इस पेड़ पे हैं, जब तक सारे पत्ते, जितने पत्ते उस पेड़ पे हैं, उतने तुम्हें जन्म लगेंगे प्राप्ति के लिए। ये सुन के वो बहुत खुश हो जाता है, बोलता है इतने सारे झाड़ है इस जंगल में, और भगवान ने यही झाड़ चुना, बाकी पेड़ों में भी बहुत पत्ते हैं, लेकिन ये तो सूखा सा झाड़ था, और भगवान ने यही सूखा हुआ झाड़ पसंद किया मेरे लिए। और वो इतना खुश हो जाता है, उसमें भी उसे खुशी दिखाई देती है, और एकदम थैंकफुल, ग्रैटिट्यूड से भर जाता है और डांस कर रहा होता है। और उस जब वो डांस कर रहा है, वो एकदम जैसे ना बहुत ही फोर्स के साथ, वो एकदम जैसे जैसे उसमें और एनर्जी आ गई हो, उस हिसाब से जब वो डांस कर रहा होता है, तो जैसे कहा कि वो सूखा पेड़ ऑलरेडी था, धीरे धीरे सारे पत्ते नीचे गिरने लग जाते हैं। और सारे जब पत्ते गिर जाते हैं, तो एक भी पत्ता फिर पेड़ में नहीं रहता। और क्या भगवान ने क्या कहा था, जब कोई भी पत्ता पेड़ में नहीं रहा तब तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। तो उसे इमीजिएटली उसी सेकंड प्राप्ति हो जाती है और भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो ये बहुत, मुझे ये स्टोरी जो मैंने सुनी, मुझे बहुत बहुत पसंद आई, क्योंकि कितना, कैसे एक में कैसे उसने अप्रोच करा, और दूसरे का कैसे थैंकफुलनेस और ग्रैटिट्यूड का भाव था। उससे हमें नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा भगवान के लिए, भगवान का क्या प्लान है हमारे लिए, बट जस्ट अगर हम थैंकफुलनेस और ग्रैटिट्यूड में और दुआएं देते जाएंगे, तो बस वो हमारा जो गोल है, लक्ष्य है, वो बस नज़दीक ही है, राइट? तो शुरू करने से पहले बाबा के महावाक्य सुनेंगे कि ग्रैटिट्यूड में बाबा क्या कह रहे हैं ग्रैटिट्यूड को लेकर। किस किस को याद है कि लास्ट संडे की जो मुरली थी, उसमें लास्ट संडे की मुरली में बाबा ने लास्ट के पैराग्राफ में बहुत इंटरेस्टिंग कुछ कहा। लास्ट संडे की जो मुरली थी, उसके जो लास्ट पैराग्राफ में बाबा ने बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत अच्छी बात कही थी।
उसमें जो मुझे बहुत टच कर गई थी कि कहा था बाबा ने, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, भाषण करना नहीं आता है, कुछ कोर्स देना नहीं आता है, कुछ भी देना नहीं आता है, तो क्या करना किसे याद है? और आप भाषण नहीं दे सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, तो क्या करें? बाबा की याद में रहे, और क्या कहा था बाबा ने? बिना स्क्रीन देखे जो लिखा हुआ है उस पे आंसर है, लेकिन अगर दुआ लेना और दुआ देना थैंक यू कौन किस सबके लिए अच्छा सोचे। राइट, सो दुआ लेना और दुआ देना, राइट तो वो बाबा ने वो लास्ट पैराग्राफ में कहा था, लेकिन एक बात ये धारण करो कि दुआ सबको देनी है और दुआएं लेनी है, इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, करके देखो। राइट, आज की मुरली में भी बाबा ने लास्ट पैराग्राफ में, जो बाबा के ना लास्ट पैराग्राफ बड़े इंटरेस्टिंग रहता है, आज की मुरली में लास्ट पैराग्राफ में आ आ लास्ट पैराग्राफ में बाबा ने आज की मुरली में क्या कहा? स्लोगन के पहले, क्योंकि आज सुबह अभी बाप दादा हमने सुना था, तो शायद किसी की मिस हो गई होगी, तो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा था, अकेलेपन का अनुभव हो तो उस समय बिंदु रूप को याद नहीं कर, उस समय बिंदु रूप को याद नहीं करो। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उस समय आपको नहीं हो पाएगा, अगर वो इजी नहीं हो पाता है और ये बात अगर आपको मुश्किल लगती है, तो फिर बाबा ने कहा उसके आप क्या करो, उस समय अपने रमणीक अनुभवों की कहानी को स्मृति में लाओ, अपने स्वमान की प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ, अपनी प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। सिर्फ दिमाग से याद नहीं करो, लेकिन दिल से कंपेनियन के साथ कंबाइन बन सर्व संबंधों के स्नेह का रस अनुभव करो। तो बाबा ने कहा, अगर ये सब मुश्किल लग रहा है, वही सेम जो पहले वाली मुरली से, कि अगर ये सब मुश्किल लग रहा है तो प्राप्तियों की लिस्ट सामने लेके आओ। राइट, तो बाबा भी इतना इम्पोर्टेंस दे रहा है ग्रैटिट्यूड के ऊपर, और ये है ही हफ्ता थैंक्सगिविंग का, ग्रैटिट्यूड का। राइट, तो आज हम सीखेंगे कि क्यों इतना सिग्निफिकेंस है। तो बाबा कह रहे हैं, और जैसे वैशाली दीदी हमेशा कहती है कि बाबा बड़े अच्छे साइकोलॉजिस्ट है। राइट, अगर आपने सुना होएगा लास्ट हफ्ते से जब वैशाली दीदी आ रही है, वो हमेशा वही पॉइंट कर रही है। और क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रही हैं? बिकॉज अगर आप देखो ग्रैटिट्यूड क्यों, ये तो बाबा कह रहे हैं, ये हमें समझ में आ रहा है कि बाबा कह रहे हैं, पर अगर साइंस के हिसाब से भी अगर हम देखें, तो जब हम ग्रैटिट्यूड की भाव में रहते हैं, तो हमारे ब्रेन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल्स रिलीज होते हैं, और नेगेटिव से हम पॉजिटिव में ये शिफ्ट होने लग जाता है। और जो ये केमिकल्स है, इसे डोपामिन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन कहते हैं। और ये डोपामिन क्या करता है, ये इनाम और प्रेरणा की भावना का समर्थन करता है। सेरोटोनिन क्या करता है, भावनाओं को बनाए रखते रखने में मदद करता है। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये लव हार्मोन, जो उसे लव हार्मोन भी कहा जाता है, आपको स्नेह और संबंध से आनंद की एक लहर में लाके ला देता है। तो इसलिए ग्रैटिट्यूड बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, इसलिए बाबा हमेशा इस पर स्ट्रेस करते हैं कि कुछ और नहीं समझ में आ रहा बच्चे, अगर बिंदु नहीं दिखाई दे रहे हैं, नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो ग्रैटिट्यूड पे थोड़ा ध्यान लाओ। बाबा खिंचवाते हैं अपना ध्यान उस पे लेके आओ। राइट, तो एक और, जैसे एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जब हम ग्रैटिट्यूड की भावना में रहते हैं, तो उससे एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक चीज़ होती है कि उस समय नेगेटिव फील करना बहुत इट्स इम्पॉसिबल। एक ही समय में आप ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो तो नकारात्मक महसूस करना असंभव है, नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। इसलिए बाबा इंसिस्ट करता है कि अगर बहुत कुछ चल रहा हो आपके दिमाग में और आप ध्यान के लिए नहीं बैठ सकते हो, तो उस समय ग्रैटिट्यूड पे ध्यान खिंचवाता है बाबा, थैंकफुलनेस पे ध्यान खिंचवाता है बाबा, क्योंकि दोनों चीज़ें नहीं हो पाएंगी। इमीडिएटली जैसे आप उसमें आते हो, आपका ब्रेन उस पे काम करने लग जाता है, ग्रैटिट्यूड पे काम करने लग जाता है, देखने लग जाता है अच्छा क्या क्या है जिसमें मैं कर सकता हूँ, क्या फील कर सकती हूँ कि ये अच्छी बात है, चीज़ों को लेके नहीं, चीज़ों को लेके नहीं, पर चीज़ों के साथ उससे हमें क्या फील हो रहा है, उसके थ्रू हमें क्या फील हो रहा है, जो एक्सपीरियंस है
उस पे जो हम अगर हम उस पे ध्यान खिंचवाए, अपना दिमाग को उस पे फोकस करें, तो इमीडिएटली वो शिफ्ट होने लग जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल अपना ही पर्सनल बताती हूँ कि जब शुरू में जब मैं आई थी ज्ञान में, और जब बाबा हमेशा कहते हैं कि शुभ भावना रखो, लोगों के लिए शुभ भावना रखो, जो भी अगर तुम्हें कुछ कह रहा हो, जैसे आज भी कहा कि अगर कोई भी कुछ कह रहा हो लेकिन आप शुभ भावना रखो। इंग्लिश ट्रांसलेशन आ रहा है? जस्ट चेकिंग, इज इंग्लिश ट्रांसलेशन ओके? तो जब शुरू में जब मैं आई, और उस समय काम के सिलसिले में आई कुडंट कीप पॉजिटिव थॉट्स सबके लिए रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो फिर एज अ प्रैक्टिस क्या शुरू करा मैंने कि मुझे ट्रैकिंग बहुत पसंद है, बाहर नेचर में जाना बहुत पसंद है। तो जब मैं जाया करती थी तो आजू बाजू जो भी दिखता था मुझे, अगर कोई ट्री देखी या कोई प्लांट दिखा या कोई फ्लावर दिखा, बर्ड दिखा, स्काई के रंग दिखे, आई जस्ट स्टॉप्ड एंड उनको देख के जस्ट नॉट जस्ट अब्सॉर्ब्ड इट कि वाह कितने सारे रंग हैं, ये शेप ट्री की कितनी सुंदर है, ये पत्ते कितने सुंदर है, कलर पत्ते का आप देखोगे तो ग्रीन्स कितने तरह के ग्रीन्स है। अगर मैं कलर भी करना चाहूँ मैं इतने तरह के ग्रीन्स नहीं कर पाऊंगी। तो जब नेचर में देखना और वहाँ के पॉजिटिव देखना और उससे ग्रैटिट्यूड की भावना लाना, वो मेरे लिए थोड़ा इजी था, रादर देन जो लोग मेरे साथ थे, आजू बाजू जो लोग थे उनके साथ मैं नहीं कर पा रही थी, वहाँ मुझे थोड़ी टकराव हो रही थी, डिफिकल्ट हो रहा था। लेकिन इट वॉज़ वेरी इजी कि मैं नेचर के सराउंडिंग, उसके आसपास लेके उसके पॉजिटिव देखना शुरू करूँ और अप्रिशिएट करना शुरू करूँ और थैंकफुल होना शुरू करूँ। बट व्हाट आई डिडंट रियलाइज कि जब मैं ये करती गई तो मैंने क्या डेवलप किया? हैबिट डेवलप की। आई ट्रेन्ड माई माइंड टू लुक दैट वे। ईजी था मुझे नेचर में देखना, मैं धीरे धीरे ऐसे देखने लग गई शिफ्ट, क्योंकि क्योंकि मेरा नेचर हैबिट बनने लग गई। सो देन धीरे धीरे आई कुड सी दैट आई कुड डू दैट विद पीपल ऑल्सो, विद डिफिकल्ट पीपल ऑल्सो। तो अगर क्योंकि मैंने वो हैबिट करा हुआ, ट्रेन करा अपने माइंड को, सो नाउ ब्रिंगिंग दैट सेम थिंग, क्योंकि ऐसा तो नहीं है खाली मेरा ब्रेन बोलेगा खाली नेचर में मैं देख रही हूँ गुड पॉइंट्स, बाकी चीज़ों में नहीं देखने वाली। इट विल ट्रांसपायर, राइट? इट विल ब्लीड इन टू अदर थिंग्स इन माई लाइफ। तो फिर इट बिकेम वेरी इजी अमंग पीपल टू सी देयर पॉजिटिव थिंग्स एंड टू फील ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स देम एंड फील थैंकफुलनेस टूवर्ड्स देम। सो हमारा इस प्रोग्राम का मेन एम ये होगा कि हम ये सीखें कि हम ये सिर्फ प्रैक्टिस कैसे कर पाए, राइट? तो इट विल बी विद सम फन एक्टिविटीज, सम फन वर्कशॉप, एंड सो दैट हम कंबाइन, हम सब टुगेदर वी विल बी एबल टू प्रैक्टिस दिस। पहले हम सब यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, देन वी कैन टेक इट डे टू डे हमारे लाइफ में। आर वी ऑल रेडी फॉर दैट? या साउंड्स इंटरेस्टिंग, राइट? सो द मेन रीजन जो ग्रैटिट्यूड का, ये जो मेन, मैं स्लाइड बंद करती हूँ। सो ग्रैटिट्यूड का जो द मेन अंडरलाइंग या प्रिंसिपल आप कह जैसे कहो इज टू ब्रिंक न्यूनेस इन योर ग्रैटिट्यूड। अगर हम वही सेम चीज़ें करते रहे कि आई एम थैंकफुल कि मेरे पास घर है, या आई एम थैंकफुल कि पेरेंट्स है, तो ब्रेन क्या हो जाता है? बोर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखोगे फिजिकल वर्ल्ड में भी, अगर मैं जिम करने जा रही हूँ, अपना बॉडी बिल्ड करने जा रही हूँ, तो अगर मैं रनिंग ही करती जाऊँ, आज रनिंग किया, एक हफ्ते के लिए रनिंग करा, तो चांसेस है कि मेरी बॉडी, मैं बोर हो जाऊंगी करते करते। तो आई वॉट हैव टू डू, हैव टू मिक्स इट अप। कभी मैं रनिंग कर रही हूँ, कभी मैं वेट कर रही हूँ, कभी मैं स्किपिंग कर रही हूँ। सो विद ग्रैटिट्यूड ऑल्सो इट इज द सेम थिंग। आई हैव टू ब्रिंग न्यूनेस इन इट। नवीनता लाना बहुत जरूरी है। सेम चीज करेंगे तो दिमाग, ब्रेन वही सेम चीज को फिर फील नहीं करेगा। इसलिए हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें लानी है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रैटिट्यूड। ओके? तो फॉर एग्जाम्पल, हम सब ने ये ऑरेंज कलर पहना हुआ है आज, राइट? सो टुडे वी डिसाइडेड गो इन टू कबर्ड अ बेस्ट ऑरेंज, जो भी है, शर्ट, साड़ी, चुन्नी, जैसे मैंने पहना हुआ है, हम कुछ तो पहन के लेके आए हैं अभी। हाँ ठीक है, आई हैव अ ऑरेंज स्कार्फ बिकॉज आई वॉज वेरी हैप्पी, चलो मेरे पास कुछ तो ऑरेंज निकला, सो आई वॉज हैप्पी। बस वहां तक खत्म हो गया अगर मैंने बोला हैप्पी। बट अगर मैं 2 मिनट के लिए सोचूं
यस, ये ऑरेंज स्कार्फ है मेरे पास। नाउ इसके पीछे ये ऑरेंज स्कार्फ कैसे आया? कहाँ तो इंडिया में कोई तो फील्ड होएगा जो कॉटन उग रहा होएगा, वहाँ से कोई फार्मर्स वहाँ काम कर रहे होंगे खेत में से, उन्होंने प्लक करा होएगा कॉटन। फिर वहाँ से तो फिर फार्मर्स के लिए थैंकफुल फीलिंग इमिजिएटली आने लग जाती है। फिर वहाँ से ट्रक ड्राइवर्स ने कॉटन को लेके वो गए होंगे छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे फैक्ट्रीज में, जहाँ वुमेन वो कॉटन को स्पन करके धागा बना रही है, राइट? तो उसकी इमेज आने लग जाती है कि बैठे हुए है वो सब स्पिन कर रहे हैं या फैक्ट्री में कर रहे हैं। देन वहाँ से वो गया और कपड़ा बना, वो टेलर के पास गया, डिजाइनर के पास गया या टेलर के पास गया, उन्होंने काटा, फिर रंग डाला, फिर स्टिच करा, फिर वो दुकान में पहुंचा, कितने सारे लोग इन्वॉल्व। फिर मैं गई, फिर मैंने उसको बाय करके मैं लेके आई। नाउ व्हेन आई ब्रिंग ऑल दोस पीपल इन फ्रंट ऑफ माई आई, मैं सबको अगर मेरे आंखों के पास लेके आती हूँ, सडनली ये जो स्काफ है ये खाली स्काफ नहीं रहेगा, मुझे उसके पीछे जितने लोगों का हाथ लगा हुआ है, जितने लोगों ने इसको बनाने के लिए करा हुआ है, टच करा हुआ है, उनकी मुझे वैल्यू समझ में आएगी। और जब मुझे वैल्यू समझ में आएगी तो मैं उसको बहुत ध्यान से रखूंगी और अच्छे से रखूंगी, राइट? क्योंकि मुझे पता है कितने लोगों ने, और इंडिया में तो बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं, तो देन मैं ऐसे ही अभी ख़त्म होने के बाद, क्लास के बाद, मैं ऐसे ही नहीं फेंक दूंगी बेड पे, उसको संभाल के रखूंगी। तो दैट इज़ ग्रैटिट्यूड, दैट इज़ नवीनता लाना। तो हमारे पास किरण दीदी है जो हमारे लिए बहुत सुंदर एक वर्कशॉप लेके आए, एक क्रिएटिव वर्कशॉप है या गेम कह लो वो है, जो हमें बताएगी, जहाँ हम सब इन्वॉल्व होके हम सेम, यही सेम प्रिंसिपल पे हम सोचेंगे और प्रैक्टिस करेंगे।